मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के नाम संदेश वाचन किया और कई सौगातों का ऐलान भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 73वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने खुली जीप में सवार होकर परेड की सलामी ली। वहीं पुलिस के जवान, आरएसी के जवान, महिला पुलिस, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड ने बैंड के धुनों पर कदम ताल करते हुए परेड का प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नाम अपना संदेश वाचन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कई सौगातों का ऐलान किया। हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी कई योजना चला रखी है। सभी आदिवासी विकास खंडों के ग्रामीण हाट बाजारों में बैंक एटीएम स्थापना परियोजना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हमारे आदिवासी भाइयों को जिनका वन भूमि पर पुराना कब्जा है, वन अधिकार देने का काम पहले हुआ है। सभी जल के साधनों जैसे नदियां, तालाबों, कुओं आदि का जन भागीदारी से संरक्षण कर उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। कुल मिलाकर कमलनाथ ने बतौर सीएम पहली बार 15 अगस्त पर राजधानी में तिरंगा फहराया, लिहाजा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर इसकी रौनक भी साफ दिखाई दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।